नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रंजन कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट बांका स्टेट बिहार से बिलोंग करता हूं। और मैं आपको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि आज इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है, तो वो किस प्रकार कामयाब बन सकता है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो एक बार की बात है कि एक गुरुजी थे और उनके आश्रम में काफी सारे शिष्य रहा करते थे, और वो शिष्य उसमें से कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो गुरुओं की सेवा करते थे, और एक शिष्य ऐसा था जो हर बार एक ही बात पूछा करते थे गुरुजी से कि गुरुजी मुझे कामयाब बनना है, मुझे कामयाब बनना है, मुझे कामयाब बनना है, और इस कामयाब होने का जो सीक्रेट है वो आप हमें बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि आप कल आइए, मैं आपको कल बताऊंगा कि एक इंसान कामयाब कैसे बनता है। तो दोस्त वो कल आया, और कल आने के बाद वो शिष्य गुरुजी से मिलने के बाद पूछता है, गुरुजी आपने हमें कल बुलाया था और मैं आज आया हूँ, तो आप हमें कामयाब होने का जो सीक्रेट राज था वो हमें बताइए। बोला एक काम करो, तुम आज नहीं, तुम कल मिलो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो भाई उसे कामयाब होना था, गुरुजी की बात को मानना था। वो व्यक्ति, वो जो शिष्य था, वो फिर कल दोबारा आया, और दोबारा आने के बाद जब उस टाइम पे पहुंचा तो फिर गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैं आपके दिए गए समय के अनुसार आज फिर वापस आया हूँ, मुझे कामयाब बनना है, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, मुझे बताइए करना क्या पड़ेगा, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, बस मुझे कामयाब बनना है, आपने कहा था तो आप बताइए। बोला एक काम करते हैं, आप कल मिलिए हमसे, हम फिर कल आपको बताएंगे कामयाब होने का राज क्या है। तो वो लड़का कंटिन्यू इसी तरह करते करते 5 साल 6 साल 10 साल करीब 15 साल बीत जाने के बाद वो लड़का टालते टालते 15 साल के बाद वापस फिर आया। बोला गुरुजी आपने मुझे बोला था कि मैं आपको कल कामयाब होने का जो राज है, जो सीक्रेट है, मैं आपको बताऊंगा, आप बता नहीं रहे। लड़का गुस्सा होकर बोला, गुरुजी आप हमें जब जो बोले मैंने किया, बट आप हमें आज कामयाबी का राज बताइए। तो लड़का वापस गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आप हमें बताइए और आज ही बताइए कि कामयाब होने का सीक्रेट क्या है। तो बोला एक काम करते हैं, कल आप हमें सुबह 4 बजे समुन्द्र के किनारे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब होने का जो सीक्रेट है जो क्या है। तो बोला ठीक है, जब इतना दिन रुक सकते हैं एक दिन और सही। तो वो लड़का क्या किया, दिए गए समय के अनुसार वो 4 बजे नहीं बल्कि 3 बजे ही वहां पर पहुंच गया, क्योंकि उसे कामयाब होना था, और कामयाब होने के लिए लड़का कुछ भी कर सकता था। तो गुरुजी समय के अनुसार वहां पर 4 बजे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद लड़का को बोलता है कि मैं आपको जो बोलूंगा आप करने के लिए तैयार है। बोला जी गुरुजी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुजी पहले पानी के अंदर जाते हैं, जो समुद्र होता है वो पानी के अंदर जाते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद उस लड़के को थोड़ी देर के बाद बुलाते हैं कि बाबू तुम भी अंदर आ जाओ। जब पानी के अंदर आता है, जब लड़का पानी के अंदर इतना जाता है, बोला नहीं थोड़ा और अंदर आओ, तो थोड़ा और ऊपर गया। बोला थोड़ा और अंदर आओ, जब पानी उसके नाक के ऊपर चला गया तो गुरुजी उसका गर्दन पकड़ के पानी के अंदर दबा देते हैं। गुरुजी पानी के अंदर दबा देते हैं, और दबाने के बाद वो लड़का काफी देर अंदर में तड़पते रहता है, एक एक सांस की तड़प होने लगती है उसको। जब लड़का देखता है कि उसका शरीर लाल पीला होना स्टार्ट हो गया, तो गुरुजी उसको छोड़ देते हैं। जैसे छोटे लड़का बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद गुरुजी को भला बुरा बोलना शुरुआत करते हैं। बोला पहले तुम रुको, पहले यह बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तुमको कैसा महसूस हो रहा था। बोला गुरुजी मैं पानी के अंदर था, मुझे एक एक सांस की तड़प हो रही थी। बोला बस यही चीज, अगर जिस दिन तुम कामयाब होने के लिए अपनी जिंदगी में एक एक कामयाब होने के लिए अगर मेहनत करना शुरुआत कर दोगे, उस दिन तुम्हें सक्सेस होने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्त मैं आपको इस कहानी से यही बताना चाहूंगा कि आज हम जिस सेक्टर में आज निकले हैं, भले ही आप जितनी भी भीड़ हो, हमें उस चीज से घबराना नहीं है, बट हमें एक पेशेंस बनाकर चलना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है और हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। बाकी दोस्त इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दीजिएगा। दोस्त मेरा नाम रंजन कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट बांका बिहार से बिलोंग करता हूँ, और इस DIT कंप्यूटर सेंटर में मुझे एक दोस्त के माध्यम से आने का मौका मिला, और इसके पहले मैं टाटा नगर जमशेदपुर जैसे जगह पर जॉब किया करता था, और इस लॉकडाउन में जब वहाँ पर काम बंद होने की वजह से मैं वापस कुछ सीखने के मकसद से यहाँ पर आया हूँ, और आई होप कि मैं इस जगह पर जरूर कुछ सीख के जाऊँगा। यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं उनकी सपोर्ट की वजह से और आप लोगों का दुआ रहेगा तो बहुत अच्छा करेंगे। बाकी सो थैंक्स ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।